कभी सीआईडी शो में पूर्वी इंस्पेक्टर का दमदार और समझदार किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री अंशा सैयद ने शो के अंदर काफी सिंसियर इंस्पेक्टर बनकर हर केस की अच्छे से छानबीन की थी। तभी तो इनका नाम आज भी बेस्ट ऑन स्क्रीन इंस्पेक्टर में लिया जाता है और शो के खत्म होने के 5-6 साल बाद भी इस शो की ये दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आज आपकी फेवरेट इंस्पेक्टर पूर्वी यानी कि अभिनेत्री अंशा सैयद कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? क्या ये आज भी सीआईडी वाले रूप में ही नजर आती हैं या फिर आज इनके अंदर बहुत बदलाव आ चुके हैं? अगर आप आज इनके बदले हुए हालातों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कभी सीआईडी शो में पूर्वी बनकर सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री अंशा सैयद का जन्म 16 जुलाई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वहीं से इनकी स्टडीज कम्प्लीट हुई है। लेकिन अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो हम बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीआईडी शो में पूर्वी का सिंसियर इंस्पेक्टर वाला किरदार निभाकर की थी, जिससे आज ये वर्ल्ड फेमस हैं। इसके बाद इन्हें रंग बदलती ओढ़नी, अदालत, डोली सजा के जैसे शोज में भी देखा गया, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वहीं अगर बात करें इनके इतने सालों में बदले हुए रंग रूप के बारे में तो हम बता दें कि जहां ये शो में डिफरेंट कलर के सिंपल एंड सोबर पैंट शर्ट पहने हुए चोटी के साथ रिवॉल्वर लिए काफी स्मार्ट इंस्पेक्टर नजर आती थी, वहीं आज ये बोल्ड ड्रेस में विथ मेकअप हट्टी कट्टी 33 साल की नौजवान दिखाई देती हैं, जहां पर इनका फिगर और फेस कट काफी कातिलाना लगता है। ये हर तरह के कपड़े पहनकर बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी नजर आती हैं, जिसके चलते इनके फेस पर एजिंग कभी भी नहीं दिखती। वहीं बात करें इस शो के बाद इन्हें राधा कृष्णा सीरियल में भी देखा गया। वहीं ये CIF क्राइम शो में भी देखी गई थी, जिसमें इनकी अदायगी वाकई काबिले तारीफ थी। बात करें इनके आज के बरकरार एक्टिंग करियर के बारे में तो ये थोड़े समय से टीवी इंडस्ट्री में नजर नहीं आ रही हैं। फिलहाल ये 33 साल की उम्र में शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं, क्योंकि ये अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रही हैं और क्यूट और बोल्ड पिक्स शेयर करके फैंस को भी एंटरटेन करती रहती हैं। तो दोस्तों, इतने सालों बाद अंशा सैयद से मिलकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।